अब हम करेंगे वर्किंग कैपिटल के ऊपर नेक्स्ट प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम हमने किया था मंथ वाला, तो मंथ वाला कैसे किया था सर ने, वो साल का यूनिट्स दिया था, हमने उसको डिवाइड बाय 12 किया तो मंथली कॉस्ट शीट बनाया। तो मंथ वाला रहेगा तो एक करा दिया है, मेरा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अभी जो क्वेश्चन करने जा रहा हूँ ये वीकली वाला है, एक साल में होते 52 वीक्स, तो वीक वाला क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो अभी प्रॉब्लम करते हैं वर्किंग कैपिटल के ऊपर, ध्यान देना। तो एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आपको बनाना है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल बता दिया क्या होता है, सी ए माइनस सी एल, करंट असेट्स में हमारा पैसा फंस गया है, रुक गया है, ब्लॉक हो गया है, तो उस टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए हमें कोई मदद देता है जिसका नाम है बैंक। तो बैंक को हम दिखाते कि हमारा इतना इतना पैसा ब्लॉक हो गया, हमको हेल्प चाहिए। तो पॉइंट नंबर वन, एस्टिमेटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी, 104,000 यूनिट्स कंपनी बनाती है, देखो लिखा है 104,000 यूनिट्स फॉर द ईयर 52 वीक। रॉ मेटेरियल 5 रुपए का है, लेबर्स 40% है रॉ मेटेरियल का, ओवरहेड 50% लेबर कॉस्ट का है, प्रॉफिट 200% ऑफ द ओवरहेड। अब क्या बोलता है, हमारा कितना कितना पैसा किधर किधर फंस गया है, रॉ मेटेरियल 4 हफ्ते के लिए फंस गया है, प्रोसेसिंग में 4 हफ्ता लगता है, तो वहाँ पर भी अपना पैसा स्टॉक फंस गया, फिनिश गुड बना के, गुड्स बना के हो गया तो 4 हफ्ता लगता है बेचने के लिए, वहाँ पर भी पैसा फंस गया, डेटर लोग को हमने 6 हफ्ते का उधारी दिया, उधर भी हमारा 6 हफ्ते के लिए पैसा ब्लॉक हो गया, क्रेडिटर हमको 4 हफ्ते का उधारी दिए, टाइम लैग इन द पेमेंट, टाइम लैग का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, डिले, तो डिले इन द पेमेंट ऑफ वेजेस इज 4 वीक, हम वर्कर लोग को 4 हफ्ते के बाद पैसा देते मतलब 1 महीना, और टाइम लैग इन द पेमेंट ऑफ ओवरहेड इज 2 वीक, मतलब जो ओवरहेड है ना 2-2 हफ्ते के बाद पे करते हैं। डेटर्स सेल्स पे निकालना है, ये अच्छा एडजस्टमेंट है, परचेज जितना भी हम करते हैं उसमें 20% कैश करते हैं, ये अच्छा एडजस्टमेंट है, परचेज जितना भी हम करते हैं 20% कैश करते हैं, इसका मतलब उधारी में केवल 80% ही खरीदा हमने, जितना भी हम रॉ मेटेरियल खरीदते हैं उसका 80% ही हम उधारी में खरीदते हैं, तो पैसा किधर ब्लॉक हुआ रहेगा 80% में ना, 20% तो ऑन द स्पॉट हमने दे दिया। ऑल एक्टिविटीज आर स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द ईयर, ये इंग्लिश की वजह से, इस इंग्लिश की वजह से हम लोग लेबर एंड ओवरहेड 50-50 लेते हैं, स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द ईयर की वजह से, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग लेबर एंड ओवरहेड एक्रू इवनली, ठीक है। तो क्या लिखना, स्टेटमेंट से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 1/2 पेज का 2 रुपीज कॉलम बना देना। पहला हम बनाएंगे बेटा कॉस्ट शीट, क्या बनाएंगे, कॉस्ट शीट। जब हम कॉस्ट शीट बनाएंगे तो कॉस्ट शीट बनाने के लिए कैलसी ले लो, कॉस्ट शीट बनाएंगे, जब आप कॉस्ट शीट बनाओगे तो सबसे पहला चीज आप लिखेंगे कॉस्ट शीट, ये जो कॉस्ट शीट हम बना रहे हैं वर्किंग नोट है बेटा, वर्किंग नोट कॉस्ट शीट, ये कॉस्ट शीट वीकली बना रहे हैं, वीकली मंथली नहीं बना रहे। तो ये बताओ कंपनी 104,000 पीस बनाती है तो 104,000 डिवाइड बाय 52 करो, तो एक हफ्ते में कितना बनाती है कंपनी, 2000 यूनिट, समझा, 2000 यूनिट्स पर वीक, 2 कॉलम रुपीस पर यूनिट, तो सबसे पहले प्रोडक्ट बनाने में लगता है रॉ मेटेरियल, तो पढ़ो रॉ मेटेरियल बोलता है 5 रुपए का रॉ मेटेरियल है, 5 रुपए पर यूनिट, उसके बाद वर्कर लगता है लेबर, तो लेबर बोलता है 40%, तो बेटा 5 का 40%, 5×4=20 है ना, 5 का 40% आंसर 2 रुपए लेबर को देना पड़ता है, और ओवरहेड कितना है बोलता है, ओवरहेड जो है ना वो 50% है लेबर का, इसका 50% मतलब 1 प्लस करोगे तो आएगा टोटल कॉस्ट 5, 6, 7, 8। अब फ्री में तो नहीं बेचेंगे, प्रॉफिट ऐड करके बेचेंगे तो मिलेगा आपको सेल्स, पढ़ो, बोलता है जो प्रॉफिट होगा ना, मिला मिला बेटा, पॉइंट नंबर 5 पढ़ रहा हूँ, जो प्रॉफिट होगा 200% ओवरहेड का, ओवरहेड का 200% मतलब डबल, तो 2 तो सेलिंग प्राइस आएगा 10। अब ये इंटू करो, हफ्ते का कॉस्ट शीट बनेगा, तो 2000 × 5, 10,000 का मतलब रॉ मेटेरियल लग जाता है हर हफ्ते, 2000 × 2 आंसर 4000, एक हफ्ते का लेबर का खर्चा है, 2000 ओवरहेड है,
8 × 16 16,000 एक हफ्ते का खर्चा है, अपना प्रॉफिट 2 × 4 4,000 और सेलिंग प्राइस एक हफ्ते का सेलिंग प्राइस है 20,000, एक हफ्ते का हमारा सेल है 20,000। बोलो एक कॉशिट समझा, ध्यान देना, एक हफ्ते का बना रहे, वीकली बना रहे हैं, सुन रहे बेटा, वीकली वीकली बना रहे। तो अभी क्या करें, अभी हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, कैलकुलेशन में एक ही बार करता हूं, लिखेंगे करंट असेट्स, करंट असेट्स बहुत इजी है, कितना कितना पैसा अपना फंसा हुआ उसका लिस्ट बना रहे। तो सबसे पहला रॉ मटेरियल, पढ़ो मैं बोलता हूं, पॉइंट नंबर बोलता हूं, उस पर ध्यान देना। पॉइंट नंबर 6 पढ़ो, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल चार हफ्ते के लिए, चार हफ्ते का स्टॉक हमारे गोडाउन में है, तो एक हफ्ते का मटेरियल है, तो 10,000 × 4 करने का। वर्क इन प्रोग्रेस, इसके तीन बच्चे, रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। बोलता हूं पॉइंट पढ़ो, प्रोसेसिंग लिखा रहेगा, प्रोसेसिंग पॉइंट नंबर 7 देखो, प्रोसेसिंग में चार हफ्ता लगता है, तो चार हफ्ते का भी तो मटेरियल फंस गया, तो मटेरियल एक हफ्ते का 10,000, तो चार हफ्ता तो उसको बनाने में लगता है, तो वहां पे भी 40,000 का मटेरियल। लेबर 4,000 × 2, लेकिन भूलने जाना बेटा ये अजम्पशन 50%, क्योंकि वो लोगों ने बोला है लेबर एंड ओवरहेड स्प्रेड इवनली, ये इंग्लिश की वजह से हम अजम्पशन लेते 50%, और ओवरहेड 2,000 × 4 आएगा, सॉरी × 4 × 50%, समझा, 50% अजम्पशन होते हैं बेटा, बाद में एक ही बार करते हैं इंटू। पॉइंट नंबर 3 फिनिश गुड पढ़ो, पॉइंट नंबर 8 लिखा स्टॉक ऑफ फिनिश गुड चार हफ्ते का, मतलब गुड्स बनाते हैं ना तो चार हफ्ते के बाद ही बिकता है, मतलब चार हफ्ते के लिए हमारा फिनिश गुड में पैसा फंस गया, फिनिश गुड हमेशा इस पे निकालना है टोटल कॉस्ट पे, तो 16,000 × 4। पॉइंट नंबर 4, हम जिनको उधारी देते हैं 6 हफ्ते का उधारी देते हैं, तो डेटर, तो डेटर किस पे निकालेंगे, सेल्स पे निकालना है, तो 20,000 एक हफ्ते का सेल है, तो 6 हफ्ते का पैसा ब्लॉक हो गया मेरा डेटर के पास। कैश क्वेश्चन में रेडीमेड दिया, पॉइंट नंबर 13 में कैश बाजू में लिख देना, गिवन कैश कितना दिया है 40,000 आउटर कॉलम में, एक लाइन छोड़ दो। अब लिखेंगे करंट लायबिलिटी, पॉइंट नंबर 1 करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर, ध्यान देना ये नया पॉइंट है, बताओ पॉइंट नंबर ये पढ़ो, दस क्रेडिटर हमको चार हफ्ते का उधारी देता है, पॉइंट नंबर 15 भी पढ़ो, 10 भी पढ़ो, 15 भी पढ़ो, जितना भी आप परचेस करते हो 20% कैश में करते हो, मतलब कितना पैसा फंसा हुआ है देना बाकी है, तो 10,000 × पहला बेटा जी 80% करना है, क्योंकि पूरा जो 10,000 है आपने उधारी में नहीं खरीदा है, उसका 80% उधारी में खरीदा, तो उसका 80%, क्योंकि 20% तो कैश है, और बेटा जब कैश में खरीदा रहे तो उसको पैसा ऑन द स्पॉट दे देंगे ना, वहां तो पैसा ब्लॉक नहीं हुआ, तो 10,000 का 80% और क्रेडिटर हमको उधारी देता है चार हफ्ते का, तो 4 कर देना। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग वेजेस, पॉइंट नंबर बोलता हूं वो ध्यान दो, आउटस्टैंडिंग वेजेस 11, चार हफ्ते का पैसा लेट देते, तो 4,000 एक हफ्ते का, तो चार हफ्ते का 4। आउटस्टैंडिंग ओवरहेड, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड है बेटा जी 2 हफ्ते का, तो एक हफ्ते का 2,000, तो 2 हफ्ते का 2 कर देना, हो गया, बाकी तो कुछ नहीं क्वेश्चन में। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, चलो कैलसी ले लो बेटा, 10,000 × 4 आंसर 40,000, मैं ये बोल रहा हूँ मेरा कितना कितना पैसा फंसा हुआ है, जैसे हम शेयर मार्केट में पैसा लगा डालते हैं, बाद में शेयर का भाव गिर जाता है तो पैसा फंस गया, क्योंकि हम बेच नहीं सकते, वैसे यहाँ पैसा फंस गया। वर्किंग प्रोग्रेस, तो 10,000 × 4 40,000, ये लेबर का आधा करना, तो 4,000 × 4 × 50% 8,000, ओवरहेड 2,000 × 4 × 50% 4,000, तो वर्किंग प्रोग्रेस कितना हो गए, 40 + 8 + 4 52,000 का वर्किंग प्रोग्रेस है बेटा, समझा, 52,000 कैसे आया। नेक्स्ट फिनिश गुड, 16,000 एक हफ्ते का है, तो चार हफ्ते का फिनिश गुड बना के हमने गोडाउन में रखा है लेकिन बिक नहीं रहा है,
64,000 मेरा उधर फंस गया है, डेटर को उधारी दिया 20,000 इंटू सिक्स, इधर भी मेरा पैसा फंस गया है 1,20,000। ठीक है, थोड़ा नीचे लिखता हूँ, डेटर 1,20,000, बोलो समझाओ, कैश रेडीमेंट था, करंट असेट्स आ जाएगा, टोटल ग्रॉस करंट असेट बोलते हैं इसको, और करंट लायबिलिटी का ये अमाउंट इनर में लिखो 10,000 का 80% इंटू 4, 80% क्या है मालूम है ना, क्रेडिट उधारी, तो 10,000 का 80% निकाले तो आंसर आएगा 8,000 इंटू 4, आंसर 32,000, इसको इनर में लिखो, 4,000 × 4, 4×16, 16,000, और 2×2 = 4, 4,000, अब इन तीनों को प्लस के बाहर निकालो, 32 + 16 + 4 आंसर 52,000। बेटा ये सब प्लस करते तो उसको ग्रॉस करंट असेट बोलते हैं, ग्रॉस करंट असेट, तो 40,000 + 52,000 + 64,000 + 120 + 40,000, 3,16,000 हमारा करंट असेट में पैसा फंसा है, लेकिन हम भी किसी का पैसा फंसा है तो फिटूस कर दो, नेट 2,64,000 हमें पैसे का जरूरत है, हमारा इतना पैसा ब्लॉक है, इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, इतना पैसा बैंक हमको शॉर्ट टर्म फाइनेंस करती, जिसको हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। बोलो समझा कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन, बहुत ईजी है, मंथ वाला क्वेश्चन किया, अभी मैंने वीक वाला किया, वीक वाला में क्या करोगे, जितना भी यूनिट्स था ना साल का उसको डिवाइड बाय 52 करना, तब जाके 2,000 आएगा, तो जो कॉस्ट शीट है एक हफ्ते की कॉस्ट शीट है, एक वीक का कॉस्ट शीट है। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, बाय बाय।